हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10, ए एन द। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 10, ए एन द। वी यूज ए एन एंड द बिफोर द नेमिंग वर्ड्स। ए एन द का यूज हम करते हैं नेमिंग वर्ड्स से पहले। लुक एट द पिक्चर्स एंड लर्न द यूज ऑफ ए एन एंड द। अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और ए एंड द के यूज को लर्न करेंगे, समझेंगे। यूज ऑफ ए एंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए और एन का यूज। ए इज यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। ए का यूज हम उन नेमिंग वर्ड से पहले करते हैं या उन नाउन से पहले करते हैं जो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। कॉन्सोनेंट आपने पढ़े हुए हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वोवल से अलग होते हैं, बी सी डी, ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो फर्स्ट देखिए आप, अ काउ। अब यहां पर काउ में जो सी है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है? ए। तो यहां पर आया अ काउ। अ कार, अ गोट, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, अ फ्लावर, अ मैंगो, अ पैरेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल। एन हम उन नेमिंग वर्ड से पहले लगाते हैं जो वोवल से स्टार्ट होती है, मतलब जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं। अब यहां पर देखिए आप, एन आउल। अब जो आउल यहां पर लिखा है, आउल किससे स्टार्ट हुआ है? ओ से। और ओ क्या है? एक वॉवल है। तो आउल से पहले हमने क्या लगाया है? एन। नेक्स्ट, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन ओनियन, एन इग्लू, एन एग्स, एन आइसक्रीम। तो मतलब वो वर्ड जिनमें स्टार्टिंग में वोवल्स आए उनसे पहले हम एन लगाते हैं, और वो वर्ड्स जो जिनकी स्पेलिंग किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है उनसे पहले हम ए लगाते हैं। यूज ऑफ द। द इज यूज्ड बिफोर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। द हम उन चीजों से पहले लगाते हैं जो अपनी तरीके की सिर्फ एक ही है। अब जैसे हम बात करते हैं द सन। सन बहुत सारे नहीं है, सन सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही चीज है जिसे सन कहते हैं। तो इसलिए सन से पहले क्या आएगा? द। द मून। मून भी एक है तो इसलिए मून से पहले द। द अर्थ, द स्काई, ये सब चीजें एक ही हैं तो इसीलिए इनके आगे द लगता है। द इंडिया गेट, द सन टेम्पल, द गंगा, द रामायण। फॉरगेट मी नोट। अब एक नोट देख लेते हैं। We use A and N with the names of things that can be counted. हम A और N उन चीजों के आगे लगाते हैं जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। Now it's time to answer. A, darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet आपको given है, इसमें हम correct answer को mark करेंगे। First, we use A, N and the before the. हम ए एन द किससे पहले लगाते हैं? नेमिंग वर्ड से पहले। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, वी यूज ए विद द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ। हम ए कौन से वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वी यूज एन विद द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ। हम एन कौन से वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो किससे बिगिन होते हैं? वॉवल से। A. Now next exercise. B. Write A or N before the following naming words. आपको A और N लगाना है, मतलब आपको naming word को देखना है कि वो vowel से start है या consonant से। जो vowel से होगा उसके आगे हम N लगाएंगे, और जो consonant से start होगा उसके आगे हम A लगाएंगे। First, dash bag. अब यहां पर बैग बी से स्टार्ट है और बी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे अ बैग। सेकेंड, ये अगेन बॉल बी से स्टार्ट है तो यहां पर भी हम ए लिखेंगे। नेक्स्ट, इंक पॉट।
अब इंपोर्ट किससे स्टार्ट है? आई से, और आई क्या है? वॉवल, तो यहां पर आएगा एन। नेक्स्ट फोर्थ डैश एलिफेंट, यहां पर एलिफेंट लिखा है और एलिफेंट का जो ई है वो क्या है? वॉवल है, तो यहां पर भी एन एलिफेंट। इसी तरह से इसके बाकी के चारों पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। अब आपको ए एन और द तीनों इन ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट देखिए, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां पर सन के लिए लगाना है हमें, और सन एक ही होता है, तो सन के लिए क्या आएगा? द सन। डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे एप्पल में ए है, तो यहाँ पर आएगा एन। फिर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट फार्मर हैज, फार्मर के पास डैश काउ एंड डैश ऑक्स। अब यहाँ पर काउ है, काउ क्या है? काउ में सी से स्टार्ट है और सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहां पर आएगा ए। और यहां पर ऑक्स है, ऑक्स में ओ वॉवल है, तो यहां पर आएगा एन। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ए एंड द का यूज समझ आया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।